नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भिवानी में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों को एक बड़ी राहत देने की घोषणा करते हुए कहा है कि 5,000 करोड़ रुपए का ब्याज किसानों के लिए माफ किया जाएगा, यानी किसानों के लिए कर्जा माफी। हरियाणा सरकार यह ब्याज खुद भरेगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक किसानों को इससे कर्जे में बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नपा से किसानों को बाहर निकाला है, इससे किसानों को 25 करोड़ रुपये का लाभ होगा। वहीं किसानों की फसल धान और गेहूं का दाना दाना खरीदेगी हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने 3 तरह की स्कीमों को किसानों के लिए लागू किया है। आज सीएम जन आशीर्वाद यात्रा के तहत भिवानी सेक्टर के 13 से होते हुए भिवानी गौशाला महम रोड से होते हुए भवानी खेड़ा तो शाम होते हुए हिसार जाएंगे। मुख्यमंत्री के मुताबिक किसानों को मिलेगी इस कर्जे के लिए बड़ी राहत, क्योंकि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू करके किसानों के लिए ब्याज और पेनल्टी से राहत दी जाएगी। पैक्स के तहत 13 लाख से अधिक किसान ऋणी हैं, उनको भी राहत मिलेगी। किसानों को राज्य की ओर से 4% स्टेट की तरफ से तथा 5% पेनल्टी माफ़ की जाएगी। जो नाबार्ड देता था वो 3% में से स्टेट और टैक्स देंगे। आप देख रहे हैं पल पल, भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। लोनी है जिसमें से 8.25 लाख ये एनपीए हो गए हैं, जिनकी ट्रांजैक्शन अब आगे बंद है। उसमें कुल मिलाकर के उनके ऊपर 7% इंटरेस्ट लगता है, 4% स्टेट गवर्नमेंट देती है और 3% सेंट्रल गवर्नमेंट नाबार्ड द्वारा दिया जाता है। और फेलियर के केस में 5% पेनल्टी भी लगती है, तो ऐसा 12% का इंटरेस्ट ये बढ़ते बढ़ते कुल मिलाकर काफ़ी बड़ी अमाउंट ये पेंडिंग हो गई है। अब हमने विचार ये किया है कि इनका जो 4% है स्टेट गवर्नमेंट का, वो तो स्टेट गवर्नमेंट देगी, उनको हम फ्री कर रहे हैं। 5% जो पेनल्टी है वो भी माफ़ कर रहे हैं पूरी, और जो 3% नाबार्ड देता था उसको अब 3% को 1.5% तो गवर्नमेंट पे करेगी। और बंसल जी आ गए, आप भी बंसल जी बता दो, 1.5% गवर्नमेंट पे करेगी और बाकी 1.5% टैक्स बियर करेगा, क्योंकि टैक्स के द्वारा लोन लिया गया है। तो 1.5% टैक्स और 1.5% गवर्नमेंट, अर्थात अब पूरे का पूरा इंटरेस्ट माफ, पूरे की पूरी पेनल्टी माफ। अब केवल किसान को जो उसकी ओरिजिनल अमाउंट है वही उसकी तरफ ड्यू है, उसको जमा करा के और अपने खाते को नॉर्मल करा सकता है, एनपीए से उसको बाहर निकाल दिया गया। इसके इस प्रावधान से किसानों को लगभग 2500 करोड़ रुपए का लाभ होगा ये इस योजना के आगे बढ़ाने से। दूसरा है डीसीसीबी, अर्थात डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। इनका भी कुल 85,000 फार्मर्स हैं जिन्होंने इन कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया हुआ है, जिसमें से 32,000 ये एनपीए हो गए हैं। इनका जो इंटरेस्ट है ये 12% से 15%, अलग अलग इसके रेट होते हैं। उसमें कुल 800 करोड़ रुपए तो प्रिंसिपल है, बाकी सब ब्याज और पेनल्टीज ये उसके ऊपर लगाई गई है। इसमें 3 प्रकार के लोग हैं जिनके लोन हैं। एक 5 लाख रुपए से कम, यानी 3 श्रेणियां बनाई हमने, 5 लाख रुपए से कम, 5 से 10 लाख और 10 लाख रुपए से ऊपर। तो इनका अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन
इसको 12-15% का जो है उसको घटा करके जो 5 लाख रुपए तक के हैं वो केवल 2% इंटरेस्ट देंगे, और 5-10 लाख तक के वो 5% देंगे, और 10 लाख से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार के लोन लिए हुए हैं, क्योंकि वो बड़े किसान हैं या किसानी के अलावा और भी काम करने वाले लोग हैं, हैवी संख्या में कम, उनको 10% इंटरेस्ट के साथ बाकी पेनल्टी और इंटरेस्ट माफ करके ये अगर जमा कराते हैं। इनकी जमा कराने की जो अंतिम तिथि वो हमने 30 नवंबर रखी है, 30 नवंबर यानी 3 महीने का समय। आज हम सितंबर में बैठे हैं, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, 3 महीने के अंदर अंदर अगर ये जमा कराते हैं तो इनको इसका लाभ हो जाएगा, और कुल मिला के 1800 करोड़ रुपए का लाभ इससे किसानों को। ये दूसरी स्कीम है। इसी प्रकार तीसरी स्कीम है लैंड बोर्ड मोर्गेज बैंक, जिसमें किसानों की जमीन जो है वो मोर्गेज भी कर ली जाती है, फिर भी हम चाहते हैं कि किसानों को कुछ राहत दी जाए, तो इसमें कुल मिलाकर 1,10,000 फार्मर है, जिसमें से 70,000 फार्मर्स वो एनपीए में आ गए हैं। कुल 1400 करोड़ की अमाउंट है, और इसमें प्रिंसिपल जिसमें से लगभग 750 करोड़ प्रिंसिपल अमाउंट है, इसके अंदर भी हमने इंटरेस्ट वो सब छोड़ दिया है, और जो इंटरेस्ट बाकी है उसका 50% ही अब उनसे लिया जाएगा, और वो 50% गवर्नमेंट पे करेगी लैंड मॉडल बैंक को, और इसके द्वारा भी 450 करोड़ रुपए का लाभ ये किसानों को होगा। तो ऐसे कुल मिलाकर लगभग 450 करोड़, अब ये 100-200 करोड़ ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन आने के बाद रफली कहें तो 5000 करोड़ रुपए का एक ये पैकेज हमने किसानों को दिया है, और किसान इससे काफी राहत महसूस करेंगे, और जो किसान के ऊपर जो बढ़ता हुआ एक जिसको कहना चाहिए दबाव है वो समाप्त होगा। हम चाहते हैं कि किसान अपने, हालांकि किसानों को हमने रेट के नाते भी जो प्रधानमंत्री जी ने MSP घोषणा की है, कॉस्ट के ऊपर 50% का लाभ देने का पिछले 2 टर्म से ये घोषणा की जा रही है, और उसमें जहाँ तक MSP पर खरीदने की बात है, धान और गेहूँ तो FCI के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा खरीद होती है, बाकी फसलें ज्वार है, बाजरा है, ज्वार नहीं बाजरा है, सरसों है और सूरजमुखी है, ये फसलें क्योंकि जितनी मांग है उससे ज़्यादा होती हैं, तो किसान की ये फसल भी एक एक दाना हमने सरकार ने खरीदा है ताकि हमारे किसानों को इसका पर्याप्त लाभ मिल सके। बाकी जो फसलें हैं वो इतनी कम है कि वो MSP से भी ऊपर बिकती है, जैसे चना है, जैसे दालें हैं, इनकी आवश्यकता कितनी पड़ती है, फिर भी यदि बाजार भाव MSP से कम होगा किसी फसल का तो वो सरकार उसका एक एक दाना खरीदेगी। इस प्रकार आज ये 3 घोषणाएं की है, जिसमें लगभग 10 लाख किसानों को ये लाभ होगा और 5000 करोड़ रुपए का उनको ये बेनिफिट होने वाला है। इस प्रकार की एक जानकारी मुझे आपको देनी थी, आपको मैंने इसलिए बुलाया।